वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था 14 सितंबर का, वो कंप्लीट हो चुका है और उसके रिगार्डिंग मैंने कुछ क्वेश्चन को कलेक्शन किया है। कुछ स्टूडेंट जो है एग्जाम दिए हैं और मैं उनसे कॉन्टेक्ट करके यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को कलेक्शन किया है। फर्स्ट टाइम यह एंट्रेंस एग्जाम हो रही है तो यहाँ पर किस टाइप का क्वेश्चन आ रही है आप लोग बहुत ही जानने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए फाइनली मैं लेके आया कुछ क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 14 सितंबर 2022 का फर्स्ट शिफ्ट के बारे में बता दूँ कि इसमें जो क्वेश्चन आ रही हैं आपको घबराना नहीं है, आपको कौन सी गलती नहीं करना वो भी मैं बताऊंगा। देखिए सबसे पहले तो आपको टेंथ लेवल का क्वेश्चन आ रही है जो कि साइंस से भी आई थी, दर्पण सूत्र से क्वेश्चन थी, एक क्वेश्चन देखने को मिली थी। मैंने कॉन्टैक्ट जब किया तो बताया जा रहा है कि दर्पण सूत्र से क्वेश्चन आया था। CH4 जो कार्बनिक जो आपका चैप्टर है यहाँ पर मिथेन से रिलेटेड क्वेश्चन था कि मिथेन का सूत्र क्या होता है, ये सब था। ब्राह्मण समाज का स्थापना कब हुआ, मतलब किसने किया, ये था। और इस नंबर सीरीज से आ रही है मैथ में 3 से 4 क्वेश्चन कि हाँ कैसे सॉल्व किया जाएगा वो क्वेश्चन है। डिस्टेंस आ रहा है, टाइम एंड डिस्टेंस आ रहा है, दूरी सूत्र के फॉर्मूला लगाकर आपको इससे क्वेश्चन आ रहा है। 3 से 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऐसे करके आ रहा है। नंबर सिस्टम से आ रहा है, मैं पहले बता दिया त्रिकोणमिति से। 10th लेवल का अगर त्रिकोणमिति अच्छे से पढ़े हो तो 5 से 6 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल रही है जो कि आप लोगों के लिए बन जाएगी। खेल कूद से क्वेश्चन आ रहा है यहाँ, इस टॉपिक से भी आप देख लीजिए, खेल कूद से मतलब आ रही है। करेंट अफेयर बोला जा रहा है कि करेंट अफेयर से सर क्वेश्चन आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा कि हाल फिलहाल में कब क्या हुआ था, किसने क्या किया। ये वर्गमूल से आए थे, वर्गमूल घनमूल आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। दिन दिवस से क्वेश्चन आ रहा है कि कौन दिवस कब मनाया जाता है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है और जनसंख्या दिवस कब मनाया गया था, ये सब आ रहा है। और संधि विच्छेद है, ये देखिए हिंदी में संधि विच्छेद हो गया, इससे आ रहा है। विलोम शब्द आ रहा है, मतलब सभी टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब टोटल 150 क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है ना। नदी से क्वेश्चन आ रहे हैं कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती, कहाँ जाती है, किसके किनारे क्या बसा हुआ है, ये है। जीके में फसल से रिलेटेड है, स्थापना किसका स्थापना किसने किया, ये आया। तो ये सब चीज़ आप टॉपिक बाई टॉपिक देख लीजिए, इसी से क्वेश्चन बन रही है। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह कि आप को यहाँ पर टाइम टेकन क्वेश्चन सब है तो टाइम मैनेजमेंट ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि जो क्वेश्चन में आप फंस रहे हो क्वेश्चन को स्किप करके आगे की तरफ बढ़ना है। मान लीजिए कि आपको 150 का क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन में कम से कम आपको 60+ अटेम्प्ट करना ही होगा तभी आप अच्छे मार्क्स ला पाओगे। और यहाँ पर देखिए ओवरऑल बोला जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है पूरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है। तो आपको जो क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है फ्रेंड्स उसको स्किप करके आगे तरफ बढ़ना है। और जो क्वेश्चन लास्ट में होगा हो सकता है वो इजी होगा तो लास्ट वाला क्वेश्चन पे आप पहुंच जाइए। मतलब सभी क्वेश्चन को टच जरूर कीजिए, हो सकता है कि आपको 100 क्वेश्चन टच किए और 100 क्वेश्चन में आपका हार्ड है लेकिन लास्ट वाला क्वेश्चन आप जान रहे थे वो छूट गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। आपको सभी क्वेश्चन को टच करना है। मैं आपको ये सीक्रेट बात बता देता हूँ, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में लास्ट में क्वेश्चन जो होता है थोड़ा इजी क्वेश्चन होता है, इसीलिए आप क्वेश्चन को पूरा टच कीजिए। क्वेश्चन पूरा टच कीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ हमें आपने कितना बनाया सही सही। जो सही बन रहा है वही बना के लाइए, निगेटिव मार्क नहीं करना है क्योंकि जो सही होगा वो भी गलत हो जाएगा अगर आप अंजादिए तुक्का मारते हो निगेटिव होता है तो आप ये चीज़ माइंड में रख के एग्जाम दीजिए। फिर मैं कलेक्शन करता हूँ क्वेश्चन, अगर फिक्स क्वेश्चन आता है तो मैं तुरंत वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा इसी यूट्यूब चैनल पर कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया और उसका आंसर क्या होगा। चलिए फ्रेंड्स आज के वीडियो में बताएं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि इसके लिए आने वाला हर वीडियो आपको इसी तरीके से मिलती रहेगी।